हरे कृष्णा। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमें पूष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आप बताएं। इसका क्या नाम है और इसको करने से जनमानस को क्या लाभ मिलता है और इस एकादशी में किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ते हृषिकेश, इसको करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, कृपा करके आप इस एकादशी के बारे में बताएं। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो कोई मानव इस एकादशी को शक्ति पूर्वक पालन करता है वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है और इस संसार के सारे कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो हे युधिष्ठिर, इस एकादशी में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। तो अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा के बारे में बताऊंगा। एक बार एक राज्य था जिसका नाम भद्रावती था। उसका राजा सोमकेतु था जिसकी भार्या का नाम था सैव्या। वह राजा बहुत ऐश्वर्यशाली था, उसके राज्य में सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक सबसे बड़ा दुख था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। राजा के पास ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र न होने के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता था, हमेशा दुखी रहता था और परेशान रहता था कि मेरे न रहने के बाद मेरे इस राज्य का भरण पोषण कौन करेगा और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा को यह चिंता खाए जा रही थी। राजा का स्वास्थ्य भी हमेशा गिरता जा रहा था और वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा इसी चीज पे चर्चा करता था और हमेशा दुखी रहता था और उसका मन अपने महल में नहीं लगता था। यहाँ तक कि वह अपना ज्यादातर समय अपनी पत्नी के महल में बिताता था। एक बार राजा और रानी दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे तो राजा को याद आया कि हमारे न रहने के बाद हमारे आज कोई पुत्र नहीं है तो हमारा तर्पण कौन करेगा, तो हम एक प्रकार से भटकती हुई आत्मा की तरह इस संसार में रहेंगे और हमारे पुरखों का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसी बात से राजा रानी हमेशा दोनों बहुत चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, राजा बहुत दुखी रहता था। एक पुत्र ना होना राजा के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट था। यहाँ तक कि राजा इतना ज्यादा दुखी रहता था कि उसे अपने संसार के इस संसार का ऐश्वर्य घोड़ा गाड़ी बंगला कोई सुख नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक उसके रिश्तेदार नातेदार कोई उसे आनंद नहीं दे रहा था। राजा और रानी इसी चिंता में हमेशा चिंतित रहते थे, इसी पे केवल चर्चा करते थे। राजा इतना दुखी हो गया कि एक बार राजा ने सोचा कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजा इन विचारों में इतना दुखी हो गया, लेकिन तभी राजा ने सोचा कि यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मुझे नरक में सड़ना पड़ेगा। तो राजा इस बात को जब सुना अपने हृदय में तो राजा ने इस विचार को त्याग दिया और राजा बिना बताए ही रात में अपने घर से घोड़े पे सवार होकर निकल जाता है। यहाँ तक कि वह किसी पुजारी ब्राह्मण या अपने किसी कर्मचारी को भी नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। राजा जंगलों में जाता है, भ्रमण करता है, चारों दिशाओं में घूमता है और राजा वहां पर भी जाकर देखता है किन पेड़ पौधों में कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं जो उनकी संतान की तरह है। और राजा वहां के जंगली जानवरों को देखता है, हिरन को देखता है, हाथी को देखता है, सियार को देखता है और यह भी देखता है कि यह पशु पक्षी अपने बच्चों के साथ कितना आनंद ले रहे हैं। इससे राजा का दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। राजा चारों दिशाओं में भ्रमण करता है और अपने आप में पश्चाताप करता है, भूख प्यास के मारे तड़पता है। राजा को भूख प्यास लगती है और राजा यह सोचता है कि मेरे कितने जन्मों का पाप है जिसके कारण मुझे इतना तड़पना पड़ रहा है और मुझे दुख मिल रहा है। राजा इसी बात में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और अपने आप को कोसता रहता है कि मेरा जीवन निरर्थक है, मेरा जीवन खोखला है, क्योंकि संसार में अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसका जीवन पशुओं की तरह होता है, उसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं होती है। राजा इसी बात से चिंतित दुखी होता है और अपने आप को हमेशा कोसता रहता है। तभी राजा आगे की तरफ बढ़ता है और देखता है
के मानसरोवर के झील के पास जाता है और जहां पे राजा देखता है कि उस मानसरोवर के तट पर हंस, बतख, बगुले सब भ्रमण कर रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। और तभी राजा की नजर उस सरोवर में जाती है जहां पे कमल खिले हुए हैं और कमल के पुष्पों को देखता है। इस मनमोहक दृश्य को देखकर राजा मोहित हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन उसका हृदय एक पुत्र की कमी के कारण अंदर ही अंदर जलता जा रहा था। तभी राजा की नजर उस सरोवर के तट पर बने आश्रमों में जाती है जहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं और राजा यह देखता है कुछ साधु महात्मा उस सरोवर के निकट पर भगवान के नाम का जप माला पे कर रहे थे। तो राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि जो साधु महात्मा हैं अवश्य इनकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाए। तभी राजा जाता है, अपने घोड़े से उतरता है और साधु महात्माओं को दंडवत प्रणाम करता है कि हे मुनिवर, आप बताएं आप लोग कौन हैं, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब राजा इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो ये साधु महात्मा बोले कि हे राजन, आप कौन हैं, आपका क्या उद्देश्य है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं। तो राजा बोला कि हे राजन, हे मुनिवर, मैं भद्रावती नामक नगर का राजा हूँ, मैं इस यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ, आप लोगों के दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मुनियों ने बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसके 5 दिन बाद माघ का महीना लग जाएगा, इसे माधव का महीना कहते हैं। तो हे राजन, जो भी व्यक्ति पुत्र की कामना में इस व्रत को करता है तो उसको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी राजा बोला कि हे मुनिवर, मैंने बहुत पुत्र का प्रयास किया लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ गए, मैं भी पुत्र की चाह में इधर उधर घूम रहा हूँ और बहुत दुखी हूँ, तो यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप लोग मुझे वरदान दें कि मुझे किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति हो। तभी साधु महात्माओं ने बोला कि हे राजन, अगर कोई भी जीवात्मा इस एकादशी को सख्ती से पालन करता है तो हमारे आशीर्वाद और भगवान कृष्ण की कृपा से उसे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।